देखो प्लीज मैं आपके हाथ छोड़ रहा हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। देखो मेरे तुम लोगों ने बहुत मार लिया, उसको नहीं मेरे मेरे बच्चे मर रहे हैं, नौ बच्चे मर रहे हैं एक्सीडेंट, और तुम लोग मुझे कुत्तों की तरह मार रहे हो और ऐसा कर रहे हो। प्लीज मैं आपके हाथ छोड़ रहा हूँ, प्लीज। भोपाल के बंसल अस्पताल में पत्रकार पर हमला, गार्ड्स ने हॉस्पिटल में भर्ती बच्चों से मिलने से रोका, पत्रकार हाथ जोड़ता रहा, कर्मचारी पीटते रहे। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। भोपाल के बंसल अस्पताल के कर्मचारियों ने पत्रकार गोविंद गुर्जर पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में गोविंद को गंभीर चोटें आई हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया कि गुर्जर सड़क हादसे में घायल बच्चों को देखने अस्पताल पहुंचे थे। पत्रकार हाथ जोड़कर गुहार लगाता रहा, लेकिन अस्पताल कर्मचारियों ने अंदर नहीं जाने दिया। विरोध किया तो कर्मचारियों ने हमला कर दिया, उन्हें बेरहमी से पीटा गया। घटना के बाद गुर्जर ने वीडियो जारी कर आप बीती बताई। वीडियो में वह कह रहे हैं कि शिवराज जी यह हाल किया है मेरा, आपने मेरे बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया, आपका शुक्रिया। मुझे जानवरों की तरह पीटा गया, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं अपनी पीड़ा कैसे बयां करूं। गोविंद गुर्जर निजी चैनल के पत्रकार हैं। बताया गया कि उनके परिवार की कार को मंगलवार को एक्सीडेंट हो गया था। हादसे में उनकी पत्नी और बच्चे घायल हो गए थे। हादसे में घायल परिजन को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के स्टाफ ने बंसल हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। दोपहर में गुर्जर अस्पताल में भर्ती अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने गए थे। इसी दौरान अस्पताल में तैनात गार्ड्स ने बदतमीजी करते हुए हमला कर दिया, इससे गोविंद के चेहरे और सिर में चोटें आई हैं। घटना की जानकारी लगने के बाद बड़ी संख्या में लोग अस्पताल के सामने जमा हो गए। लोगों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया। लोगों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बता दें कि आए रोज अस्पताल के कर्मचारी मरीजों के परिजन के साथ मारपीट अभद्रता करते हैं, बावजूद कार्रवाई नहीं होती। घटना के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पारासर ने ट्वीट कर कहा कि राजधानी के वरिष्ठ पत्रकार गोविंद गुर्जर के साथ जो घटना हुई है उसे गंभीरता से लिया गया है। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने घटना के बारे में जानकारी जुटाने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट द खबरदार न्यूज। शिवराज जी ये हाल किया मेरा, आपके अस्पताल में आपने मेरे बच्चों को भर्ती कराया, आपने मदद की बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे बच्चों का क्या हाल किया है आप पता है? इतने सारे लोग विजिटर्स मिलने आ रहे हैं, मैं किस किस को समझाऊं? ऐसे में अगर मैंने थोड़ा सा भी गुस्सा कर दिया तो उसका मुझे ये परिणाम दिया, मुझे मारा गया, पीटा गया, कुत्तों की तरह पीटा गया हुआ। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ कि मुझे जाने दो, मुझसे अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई तो मैं माफी मांग लेता हूँ। अगर मैंने मेरे बच्चे जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे इस अस्पताल में पड़े हुए, जिनकी जिनको मल्टी फ्रैक्चर हुए और जिंदगी मौत के बीच झूल रहे मेरे बच्चे, एक्सीडेंट हुआ है उनका भयानक, साले के बच्चे, दो लोग यहाँ अस्पताल में भर्ती करवाया आपने, जिन्होंने मुझे मार मार के इतना बुरा व्यवहार करते हैं। बंसल हॉस्पिटल है, ऐसे अस्पताल में कोई ना आए भगवान, हे भगवान ऐसे अस्पताल में कोई ना आए, मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया गया, क्या बताऊं मैं सीएम साहब, मैं ये सब डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा, मेरे पास शब्द नहीं है। आपने सुबह फोन लगाया, मुझे अच्छा लगा, लेकिन इन लोगों ने जो बर्ताव किया है सुबह से बच्चों, कोई इस तरह का इलाज भी नहीं मिल रहा कोई अस्पताल में, डॉक्टर्स आते हैं कोई आया लोग कुछ भी कर रहे, मेरी बेटी का हाथ पूरा फ्रैक्चर है चार चार जगह से, उसके सूजा उल्टियां कर रही है सुबह से, मेरा साला भरती है, मेरे पास